good morning good afternoon good evening this is your English teacher today we are going to start the chapter number three from the book snapshot chapter name is Ranga's marriage written by Masti Venkatesa Iyengar okay so this chapter is about Ranga's marriage quite funny chapter and uh, uh, this is the whole theme is about Ranga's marriage and uh, about a village okay सो फर्स्टली फ्रॉम स्टार्टिंग दिस चैप्टर यहां से इसको देख लेते हैं रंगा द अबाउट द रंगाज हुन करेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इट इज अबाउट रंगाज रंगा द अकाउंटेंट सन रंगा कौन रंगा है अकाउंटेंट उसके पिता अकाउंटेंट है अकाउंटेंट का वो बेटा है इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड एमंग दिलेज फोक हुन टू द सिटी परस्यू हिज स्टडीज रंगा उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो कहा पढ़ने गए हैं सिटी शहर में पढ़, पढ़े, पढ़ के आए हुए उन लोगों में से एक है रंगा मीन्स गांव के गांव में अकेला व्यक्ति भी आप समझ सकते हैं कि गांव में अकेला व्यक्ति है जो बाहर शहर पढ़ने गया है गया था वेन ही रिटर्न टू हिज विलेज जब वो अपने गांव वापिस आता है पढ़ाई पूरी करके फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर बेंगलोर से द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी नॉट तो उसके घर के बाहर एक भीड़ जमा हो जाती है ये देखने के लिए कि रंगा शहर जाके कहीं बदला तो नहीं है बदला है या नहीं बदला है एंड हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और शादी के लिए उसके जो ख्याल हैं उसके जो विचार हैं उसके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी अलग हैं आर दे क्या सच में ऐसा है तो ये हम देखते हैं स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से वेन यू सी दिस टाइटल अगर आप राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं हमें एड्रेस करते हुए यानी कि जो रीडर्स हैं उनको बताते हुए कि वेन यू सी दिस टाइटल आपने इस टाइटल को देखा है सम ऑफ यू मे आस्क कुछ सोचते होंगे रंगाज मैरिज कि मीन्स रंगाज मैरिज ये कैसा टाइटल है वाई नॉट रंग विवाह इसका टाइटल ऐसा क्यों नहीं था ऐसा क्यों नहीं है रंग विवाह या रंग विजया इस तरह का कुछ अट्रैक्टिव टाइटल वेल यस हा आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय और गिरिजा कल्याणा मींस राइटर हमें बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है कि मेरा इसका जो राइट टाइटल है रंगाज मैरिज जो थोड़ा सा अलग है जो ऐसा भी हो सकता था जगन्नाथा विजया या गिरिजा कल्याणा ठीक है ना कि यानी कि जो काफी अट्रैक्टिव टाइटल हो सकते थे बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्टरी और गिरिजाज वेडिंग लेकिन तब ये जगन्नाथा की विजय विक्ट्री मीन्स विजय के बारे में या गिरिजाज वेडिंग के बारे में नहीं होता इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज ये हमारे अपने रंगा की मैरिज के बारे में है ये चैप्टर एंड टाइटल इसलिए कोई फैंसी सा अट्रैक्टिव सा टाइटल इसका नहीं है होसा हाली इज आवर विलेज ये राइटर बता रहे हैं कि हमारे गांव का नाम क्या है होसा हाली यू मस्ट इट आपने जरूर इसका नाम सुना होगा नो no, नहीं सुना है क्या वट आ पिटी मीन्स बड़े अफसोस की बात है इट इज़ नॉट योर फॉल्ट लेकिन ये आपका फॉल्ट नहीं है रीडर हमसे बात करते हुए कह रहे हैं देर इज नो मैंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक ये तो किसी जोग्रफिकल बुक में यानी कि किसी मैप में है ही नहीं हमारे गाँव का नाम दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डो नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट यहाँ तक कि जो इंग्लैंड के बड़े बड़े जो साहब हैं जो इंग्लिश लिखना जानते हैं शायद डू नॉट नो नहीं जानते हैं सच अ प्लेस एग्जिस्ट की ऐसी भी कोई जगह है ऐसा कोई गाँव है एंड सो मेक नो mention ऑफ इट इसलिए शायद उन्होंने इसको mention ही नहीं किया मैप में आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट और हमारे अपने लोग यानी कि इंडियंस जो लोग जोग्राफी का वर्क करते हैं वो भी शायद भूल गए यू नो हाउ इट इज आपको पता है कैसे like मतलब आर लाइक में चली जाए the rest blindly follow it. So, सारी की सारी भेड़ उसके पीछे यानी कि भेड़ चाल एक जहां जाएगा दूसरा बिना सोचे समझे वहां चलता जाएगा ऐसे हैं कौन अपने लोग यानी कि वो भी वैसे ही चलते रहते हैं वन सिप वॉक्सॉरी वेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन ज्योग्राफर्स हैव नॉट रेफर टू इट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप कैन यू अब बताते हैं कि जब दोनों के दोनों के लोग कौन इंग्लैंड के अच्छे खासे पढ़े लिखे साहब लोग भी भूल गए हमारे गाँव को मैप uh, में जोग्राफी की बुक में एग्जिस्ट कराना और हमारे अपने जियोग्राफर्स जो हैं वो भी भूल गए तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बेचारे कार्टोग्राफर कौन होते हैं जो मैप को बनाते हैं जो मैप बनाते हैं उसको कार्टोग्राफर कार्टोग्राफर कहा जाता है तो हम एक से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उसे याद रहा होगा हमारे गांव को मैप में क्या करना प्लेस करना एंड सो देर इज नॉट इवन आवर विलेज ऑन एनी मैप इसीलिए हमारे गाँव का किसी भी मैप में नामो निशान ही नहीं है सॉरी आई स्टार्ट इट एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन अब जो राइटर है वो हमें से सॉरी कहते हुए कह रहा है कि सॉरी मैंने तो स्टार्ट कुछ और ही किया था और ये तो मैं किसी और ही दिशा में निकल गया हूँ यानी कि मैं तो स्टार्ट इस चैप्टर को रंगाज मैरिज के बारे में कर रहा था रंगा के बारे में और मैं तो कहाँ चला गया ये जोग्राफी में घुस गया हूँ यानी कि मैप वगैरह के बारे में बताने लग गया हूँ सॉरी इसलिए वो कहता है इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारत वर्षा वट द स्वीट करी गबडडू इज टू फेस्टिव मेल अब वो कह रहे हैं कि मैसूर का यहां पर बात हुई है। मैसूर इस समय कर्नाटका जो ठीक है ना कि वो कह रहे हैं कि मैसूर इज जितना जरूरी है मैसूर भारतवर्ष के लिए ठीक है स्वीट करी गबड्डू करी गबड्डू का मतलब करी गबड्डू ये इसको गुजिया के लिए बोला जाता है करी गबड्डू क्योंकि साउथ का इसमें राइटर है साउथ का इन्फ्लुएंस मिल रहा है तो करी गब्बडू ये गुजिया के लिए कहा जा रहा है कि जितना आ, किसी भी फेस्टिव मील में मतलब ये मिठाई जरूरी है देन होसा हली इज टू मैसूर स्टेट ऐसा ही होसा हली जितना जरूरी होसा हली मैसूर के लिए है वट द फीलिंग इज टू करी गब्बडू और जितना जरूरी करी गबूडू यानी कि गुजिया के अंदर जो फीलिंग भरी जाती है उसके अंदर जो भरा जाता है वो जरूरी है इतना ही ज़रूरी इनका गांव भी है वॉट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्यूटली राइट जो मैंने कहा वो सच है बिलीव मी मेरा विश्वास करें आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योअर क्वेश्चनिंग इफ इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन अब वो कह रहे हैं कि में हमारा गांव कितना जरूरी है जितना मैसूर कर्नाटका जो जरूरी है और जितना जरूरी गुजिया के अंदर जो फीलिंग अंदर भरी जाती है वो जरूरी है इतना ही जरूरी हमारा गांव भी है वो कह रहे हैं कि आप विश्वास करें मेरा और अगर आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी होता है तो भी कोई बात नहीं ये मेरी ओपिनियन है आई एम नॉट ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशा अब वो कह रहे हैं राइटर कि मैं अकेला नहीं हूँ कि जो होसा हाली इस गांव के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा जिसका नाम क्या है गुंडा भट्टा ही एग्रीज विद मी जो मेरी तरह मुझसे एग्री करता है यानी कि जो मानता है कि हमारा गांव बहुत 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 स्पेशल है ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस और वो काफी जगहों घूम के भी आया हुआ है यानी कि काफ़ी जगहों पे वो घूमा हुआ है नो नॉट इंग्लैंड लेकिन इंग्लैंड में नहीं घुमा है वो डॉक्टर इफ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर अगर कोई उसको पूछता है कि क्या तुम कभी इंग्लैंड गए हो ही सेज तो वो कहता है नो अन्नाया अन्ना मीन्स भाई के लिए मीन्स नो भैया नहीं भाई नहीं भाई इस तरह से आई हैव लेफ्ट दैट टू यू वो चीज़ मैंने तुम पे छोड़ दी रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग वो कहता है कि मैं एक जो आ, खुजली वाला कुत्ता जो होता है इधर उधर भटकता रहता है उसके तरह नहीं हूँ कि मैं इधर उधर भागता रहूँ इज नॉट फॉर मी वो मेरे लिए नहीं है आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम हाँ ये है कि मैंने अपने टाइम में कुछ काफ़ी कुछ प्लेसेस मैं घूमा हूँ वहाँ गया हूँ दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी इसलिए मैंने काफ़ी प्लेसेस देखे जरूर हैं वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज अब राइटर बताते हैं कि हमारे गांव में क्या है मैंगो के ट्रीज हैं कम विजिटर्स और राइटर जो है हम रीडर्स को बता रहे हैं कि आप आइए हमारे गांव में एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा फ्रॉम वन ऑफ देम ओके उन मैंगोज में से डू नॉट ईट इट लेकिन आप इसे खाइएगा मत जस्ट एक अ बाइट केवल एक छोटा सी बाइट एक छोटी सी बाइट लीजिएगा दोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मा रंध्रा ठीक है ना अब इसको ये माइंड आप सर के लिए बोला गया है यहाँ पर ये ठीक है uh, कि अगर आप खाओगे तो उसका खट्टापन आपका बिल्कुल सिर घुमा देगा आई वंस टूक वन सच फ्रूट होम मैं भी एक बार ऐसा ही कच्चा आम घर लेकर आया था एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट और इससे मैंने क्या बनाई थी चटनी बनाई थी ऑल ऑफ अस एट इट हम सब ने इसे खाया था द कफ वी सफर्ड फ्रॉम और हमें क्या हो गया था कफ हो गया था खांसी वगैरह सर्दी जुकाम आफ्टर दैट उसके बाद इट वॉज़ वेन आई वेंट फॉर द कफ़ मेडिसिन जब मैं कफ़ की मेडिसिन लेने गया दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट तो फिर डॉक्टर ने मुझे इसके खट्टेपन की जो क्वालिटी इसके बारे में बताया जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल जिस तरह से मैंगो स्पेशल है सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज उसी तरह से हर चीज़ हमारे गाँव की स्पेशल है वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वॉटर ऑफ द विज पौंड हमारे गाँव में एक तालाब है जहां पर क्रीपर है क्रीपर मीन्स लताए बेल वाला जो पौधा होता है इस तरह से है इट्स फ्लार्स आर अ फीस्ट टू बीहोल्ड इसका जो इसमें जो फ्लार्स हैं वो भी बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर वेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ अगर आप ना उस पॉइंट पे नहाने गए हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं तो इस आ, क्रीपर इस बेल से दो पत्ते तोड़ के ले आइए एंड यू विल नॉट हैव टू वरी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अबाउट नॉट हैविंग हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लिप्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील मीन्स आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दिन का खाना आप किस में खाएंगे क्योंकि आप इतने बड़े ये होते हैं कि इस पर आप खाना खा सकते हैं दिन का यू विल से आई एम रैम्बलिंग आपको क्या लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ ऐसा राइटर बोल रहे हैं कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट और हमेशा ही ऐसा होता है वेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप जब हम अपने गांव की बात करते हैं तो सभी लोग क्या सोचते हैं कि ये फेंक रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ऐसा होता नहीं है बट इनफ लेकिन बहुत हुआ इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस यदि आप में से हम रीडर के लिए वो बोला जा रहा है कि अगर आप में से कोई हमारे गांव आना चाहे ड्रॉप मे लाइन तो मुझे आप पत्र लिखना आई विल लेट यू नो वेयर होसा हाली इज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा गांव कहाँ है एंड वट थिंग्स आर लाइक यर और यहाँ किस तरह की चीजें होती हैं क्या कुछ यहाँ पर होता है बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट डोंट यू एग्री किसी जगह के बारे में अगर जानना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस जगह जाए है ना ऐसा वो कहते हैं वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट है टेन ईयरस है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस चैप्टर के थ्रो वो दस साल पहले हुआ था वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश यहाँ से स्टोरी शुरू होती है असली की हमारे गांव में ऐसे लोग नहीं थे जो इंग्लिश बोलना जानते थे देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट इसलिए हमारे गांव के जो विलेज अकाउंटेंट थे वो पहले व्यक्ति थे वन हु हैड एनअ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी जिन्होंने पहली बार हिम्मत करी अपने बेटे को कहाँ भेजने के लिए बेंगलोर भेजने के लिए स्टडी करने के लिए इट इज़ डिफरेंट नाउ अब वो काफ़ी अलग है देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश लेकिन आज काफी बदल चुका है आज काफी लोग इंग्लिश जानते हैं ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इंग्लिश अगर आप हॉलीडेज में आप यहां आए तो आप पाएंगे कि गलियों में लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश लेकिन उन दिनों दस साल पहले इंग्लिश नहीं बोली जाती थी नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नाडा यहाँ तक कि अगर हम कन्नाडा अपनी लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी इंग्लिश के वर्ड यूज नहीं करते थे वट हैज हैपन इज डिसग्रेसफुल बिलीव मी और जो हुआ बहुत शर्मनाक था आप विश्वास माने द अदर डे आई वॉज इन रामा रावज हाउस एक अगले दिन मैं रामा राव के हाउस में गया था एक और है ये रामा राव वैन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायर वुड उन्होंने क्या मंगाया क्या खरीदा था एक फायरवुड का बंडल खरीदा था रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट और रामा राव का जो बेटा है वो बाहर आया उस मतलब किसी गांव की महिलाओं से या किसी से लकड़ी का एक क्या गट्ठर मंगाया होगा और उसके पैसे देने के लिए उसका बेटा घर बाहर आया ही आस्क द वूमेन अब उसने उस महिला को पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू कितने पैसे हुए फोर पाइस ठीक है ना ये उसने कर बताया सी सेड द बॉय टोल्ड हर ही हैड ही डिड नॉट हैव एनी चेंज अब उस बच्चे ने रामाव का बच्चा जो बाहर आया था वो आ, क्या करता है वो बोलता है कि उसके पास चेंज नहीं है एंड आस्ट हर टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग और उसको बोला कि तुम कल सुबह आ जाना द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड लेकिन वो बेचारी गरीब महिला समझ नहीं पाई द इंग्लिश वर्ड चेंज कि चेंज का क्या मतलब है एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर और अपने आप में ही कुछ मटरिंग बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई आई टू डिड नॉट नो मैं भी नहीं जानता था कि चेंज का क्या मतलब है लेटर लेकिन बाद में वेन आई वेंट टू रंगा हाउस लेकिन जब मैं रंगा के हाउस गया एंड आस्त हिम उसको पूछा आई अंडरस्टूड वट इज मेंट तब मुझे पता चला कि चेंज का क्या मतलब होता है दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज अडिकेड अगो ये जो प्राइसलेस या, यानी कि यह जो बहुत कीमती टाइप की जो कॉमोडिटी जो इंग्लिश है लैंग्वेज है वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड हमारे गाँव में इतनी फैली हुई नहीं थी अडकेड अगो यानी कि दस साल कम से कम दस साल पहले दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट इसीलिए दस साल पहले जब रंगा बेंगलोर से पढ़ के घर आया था तो ये सभी गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि कोई इंग्लिश नहीं जानता था और रंगा इंग्लिश पढ़ के आया हुआ था पीपल रस टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग और सारे के सारे लोग उसके दरवाजे पे चले गए यानी कि उसके घर चले गए रंगा के द अकाउंटेंट सन हैज कम यार क्या बोलने लगे कि अकाउंटेंट का बेटा घर आया है द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर जो अपनी स्टडीज अपनी पढ़ाई के लिए जो लड़का कहाँ गया था अब बैंगलोर गया हुआ था अब वो घर आ चुका है इट सीम्स ऐसा लगता है एंड कम रंगा इज हेयर लेट्स गो है लुक एंड उसको बुलाते हैं कम रंगा कम मीन्स oh, इस तरह से बोलते हैं कम आओ रंगा इज हेयर रंगा यहाँ लेट्स गो चलें एंड हैव अ लुक और उसे देखें अट्रैक्टेड बाय द क्राउड उस भीड़ से जहाँ वो भीड़ जा रही थी चिल्ला चिल्लाते बोलते हुए जा रही थी उससे अट्रैक्ट होकर आई टू एंट मैं भी चला गया राइटर बोल रहे हैं एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड और उस आंगन में खड़ा हो गया एंड आस्क पूछा वाई हैव ऑल दीज पीपल कम इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं देर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर यहाँ पर कोई मदारी का खेल चलने वाला है क्या इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है अ बॉय एक दूसरा लड़का उस भीड़ से अब फैलो विदाउट एनी ब्रेन से एक ऐसा लड़का शायद ऐसा लग रहा है कि उसका दिमाग ही नहीं था उसी भीड़ से सैड उसने बोला लाउड इनफ काफी जोर से फॉर एवरी वन टू हेयर इतना जोर से कि सभी लोगों ने सुन लिया वट आर यू डूइंग व्हाट आर यू डूइंग हेयर देन तो उस मीन्स राइटर ने पूछा कि तुम इतने लोग यहाँ इकट्ठे क्यों रहे हो कोई मदारी का खेल चल रहा है तो उस भीड़ में से एक लड़का ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग ही नहीं है जैसे वो चिल्ला के बोला कि सबने सुन लिया कि राइटर को बोला कि तुम तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हुए हो यंगस्टर जो जो क्या था एक यंगस्टर था इमेच्योर था मीन्स मैच्योर नहीं था एंड विदाउट एनी मैनर्स जिसके कोई मैनर्स नहीं थे थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट लेकिन क्योंकि ये एक पास्ट की चीजें थी तो मैं चुप ही रहा सींग सो मैनी पीपल देयर काफी सारे लोगों को वहाँ पर देखकर रंगा केम आउट विद अ स्माइल रंगा बाहर निकला ऑन हिज फेस उसके फेस पर क्या थी एक स्माइल थी हैड वी ऑल गॉन इन साइड हैड वी ऑल गॉन इन साइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हैड वी ऑल गोन इन साइड अगर हम सभी लोग अंदर चले जाते जितनी भीड़ थी वहाँ बाहर कोर्ट या आंगन में अगर सभी लोग उस कमरे के घर के अंदर चले जाते तो वो जो जगह है वो ऐसा बन जाता जैसे कि ब्लैक होल होता है ऑफ कलकत्ता ब्लैक होल एक मीन्स जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था थैंक ऑल इट डिड नॉट्स अच्छा हुआ कि सभी लोग अंदर नहीं गए एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी द रंगा

Uh, रंगा की चेस्ट पे छाती पे फिराया इधर उधर लुक्ड इन टू हिज आईज और उसकी आंखों में देखते हुए एंड सेड और बोली द जनेवरा इज स्टिल हेयर जनेवरा मीन्स जनेऊ के लिए बोला गया है कि उसने कर, उसकी चेस्ट में हाथ फेरते हुए देखा कि अरे फिर बोली कि अरे अरे देखो जनेऊ अभी भी यहीं है मीन्स इसकी छाती में अभी भी जनेऊ है ही हैज लॉस्ट इज कास्ट इसने अपनी जाति नहीं खोई है किसने रंगा नहीं मीन्स किसने जनेऊ धारण किया हुआ है इसका मतलब इसने अपनी जाति नहीं खोई है ये बदला नहीं है शहर जा कर के सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट उसके बाद वो वहां से चली गई रंगा लाव्ट और रंगा इस देख हंसने लगा वंस दे रियलाइज द रंगा स्टिल हैज द सेम हैंड्स लैक्स आइज नोज द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ सुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ जब सभी लोगों ने देखा कि रंगा तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है उसके हाथ पैर आंखें नाक सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था तो जो क्राउड थी वो मेल्टेड अवे यहाँ की यानी कि वो वहाँ से ऐसे गायब हुई कि जैसे पिघल सी जाती है जैसे क्या पिघलता है लाइक अ लंप ऑफ सुगर कि जो शुगर का दाना जब मुंह में जाता है इन अ चाइल्ड्स माउथ बच्चे के मुंह में तो वो उसके मुंह में जाते शुगर का दाना बिल्कुल पिघल जाता है गायब हो जाता है ऐसे ही वो भीड़ वहाँ से गायब हो गई आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा आफ्टर एवरी वन हैड गॉन लेकिन जब सब चले गए आई आस्ट मैंने पूछा हाउ आर यू रंगपा कैसे हो रंगपा इज एवरीथिंग वेल विद यू क्या सब कुछ ठीक है इट वॉज ओनली देन देट रंगा नोटिस्ड मी और तभी उसी समय की बात है कि जब रंगा ने मुझे नोटिस किया था ही केम नियर मी वो मेरे नज़दीक आया एंड डिड अ नमस्कार आ रिस्पेक्टफुली और उसने मुझे नमस्कार किया सेंग आई एम ऑल राइट मैं ठीक हूँ विद योअर ब्लैसिंग्स आपकी दुआएँ हैं आपका आशीर्वाद है आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंसन अब वो कह रहे हैं कि मैं आपका ध्यान यहाँ लाना चाहूँगा टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर रंगा का एक कैरेक्टर है मीन्स एक रंगा के चरित्र की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा राइटर हमें बताते हैं ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन मीन्स एंड राइटली असेस पीपल्स वर्थ रंगा जानता है क्या जानता है न्यू व्हेन इट वुड बी to his मी टू टॉक टू समवन कि किस लोगों से बात करके उसको फायदा मिलेगा एंड राइटली असेस पीपल्स वर्थ लोगों की कीमत को समझता है एज फोर हिज नमस्कार आ टू में जैसे कि उसने मुझे नमस्कार किया ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रजेंटे बॉय उसने आज के लड़कों की तरह नमस्कार नहीं किया मुझे विद हीज़ हैड आपके अपना सर बिल्कुल ऊपर उठाया हुआ है टू और द सन की ओर किया हुआ है स्टैंडिंग स्टिप लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स और ऐसे खड़ा है कि जैसे पोल की तरह खड़ा होकर के जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आदर अ व वॉकिंग स्टिक और इस तरह से अपनी बॉडी को किए कि जैसे एक वॉकिंग स्टिक होती है नोट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स और ना ही उसने केवल सिर्फ अपने हैंड्स को ही फोल्ड किया हुआ था ही बेंट लो टू टच माई फिट वो इतना झुक के उसने नमस्कार किया कि मेरे फिट मेरे पैरों को छू कर के तब उसने नमस्कार किया मे यू गेट मैरिड सून और मैंने उसको क्या आशीर्वाद किया कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए आई सेड मैंने कहा ब्लैसिंग्स हिम उसको आशीर्वाद देते हुए आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लिजेंट्रीज आई लेफ्ट और कुछ हंसी मजाक करने के बाद मैं वहाँ से चला गया यानी कि राइटर ने यहाँ पर रंगा का कैरेक्टर भी बताया है और ये भी बताया है कि उसने नमस्कार कितने अच्छे ढंग से किया मेरे पैरों को छू के आजकल के लड़कों की तरह नहीं कि बिल्कुल सर को अकड़ के रखा हुआ है और नमस्कार कर रहे हैं इसलिए मैंने उसे क्या ब्लेसिंग दी कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए फ्टरनून और उसी दोपहर वेन आई वॉज रेस्टिंग में रेस्ट कर रहा था रंगा केम टू माई हाउस रंगा मेरे घर आया विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिस्स हैंड उसके हाथों में कुछ ऑरेंजेस थे अनेरियस कंसिडरेट फेलो और वो कैसा था एक दयालु व्यक्ति था और बहुत अच्छा व्यक्ति था रंगा इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मेरी मीन्स ये सही होगा कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस ऑफ सोसाइटी आई थॉट उसको सेटल हो जाना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए यानी कि समाज की सेवा करनी चाहिए आई थाट मैंने ऐसा सोचा कि उसकी शादी वगैरह हो, हो जाएगी तो समाज के लिए भी कुछ करेगा इस तरह से फॉर अ वाइल्ड वी टॉक्ड अबाउट हीज कुछ देर हमने बातें की एंड दैट देन म टू द्वारा बता रहे हैं रंगप्पा टू गेट मैरिड शादी करने का प्लान कब का है तुम्हारा आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सैड रंगप्पा ने क्या बोला रंगा ने बोला कि मेरा अभी शादी करने का कोई विचार नहीं है वाई नॉट क्यों नहीं आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल क्योंकि अभी मुझे सही लड़की की तलाश है आई नो एन ऑफिसर मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ रंगा बता रहा है कि मुझे एक सही लड़की की तलाश है एंड आई नो एन ऑफिसर मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ हु गॉट मैरिड ओनली सिक्स मंथ्स अगो जिनकी शादी अभी छः महीने पहले ही हुई थी ही इज़ अबाउट थर्टी वो जो ऑफिसर था वो थर्टी ईयर्स था एंड हिज वाइफ उसकी जो वाइफ थी इज़ ट्वेंटी फाइव उसकी वाइफ ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड है आई एम टोल्ड ऐसा मैंने सुना है दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर अब वो एक दूसरे से मतलब काफ़ी अच्छे से प्यार से बात कर पाते होंगे लेट्स से तो मीन्स आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल अगर मान लो कि मैंने एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर ली सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर और हो सकता है कि मैं जो कुछ प्यार से बोल रहा हूँ वो उन सारी बातों को क्या करें गुस्से से ले ले उन बातों को रिसेंटली अ ट्रुप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शक्ंतला अभी अभी कुछ टाइम पहले बेंगलोर में उस समय क्या होता था प्ले प्ले हुआ करते थे तो कह रहे हैं कि एक ट्रुप यानी कि ट्रुप क्या होता है एक्टर्स जो एक्टर्स होते हैं कुछ समय पहले ही अभी कुछ समय पहले ही एक ट्रुप आया था अ ट्रुप मीन्स होता है ग्रुप ऑफ एक्टर्स ट्रुप इन बैंगलोर बैंगलोर आया था जिन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस किया था कौन सा प्ले शक्ंतला कालिदास का द्वारा लिखा गया है इसको उस समय की बात उस समय बहुत सारे थिएटर्स में इस तरह के प्ले हुआ करते थे बहुत ज्यादा तो किया था देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुस्संत्या दुसंत्या फॉलिंग इन लव विद शक्ंतला विद शकुंतला अब इसमें क्या है कि ये जो शकुंतला जो एक प्ले है इसमें दो कैरेक्टर हैं दुष्यंत और शकुंतला जो एक दूसरे से क्या करते हैं लव करते हैं तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि रंगा बता रहा है देयर इज नो क्वेश्चन कोई सवाल ही नहीं होता है इफ आप दुष्यंत्या फॉलिंग इन लव शकुंतला कि दुष्यंत जो है वो शकुंतला के प्यार में पड़ जाता इफ सी यंग अगर वो छोटी होती लाइक द प्रजेंट डे ब्राइड्स जैसे कि आजकल की ब्राइड्स होती हैं ब्राइड्स का मतलब दुल्हन यानी कि छोटी छोटी एज की दुल्हन और ग्रूम बोला जाता है दूल्हे को इज देयर अगर शकुंतला बहुत छोटी होती छोटी उम्र की होती जैसे कि आजकल की ब्राइड्स दुल्हने होती हैं बहुत छोटी छोटी एज की तो इस तरह से अगर होता तो दुष्यंत कभी भी शकुंतला से प्यार नहीं करता उससे उससे प्यार नहीं होता वट वुड हैव हैपन्ड टू द कालिदास प्ले और अगर ऐसा ही नहीं हो, प्यार ही नहीं होता तो कालिदास के प्ले का क्या होता इफ़ वन गेट्स मैरिड अगर एक कोई शादी करना चाहता है इट्स शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर तो लड़की मैच्योर होनी चाहिए यानी कि क्या होनी चाहिए यानी कि हम उसको कहें बालिग होनी चाहिए अदरवाइज़ वन शुड रिमेन अ बैचलर अगर लड़की अगर आप एक मैच्योर लड़की से शादी नहीं कर रहे हो एक समझदार एक परिपक्व लड़की से अगर आप शादी नहीं कर रहे हो उससे बेहतर तो ये है कि अगर किसी छोटी लड़की से यानी कि कोई नासमझ यानी कि छोटी होगी तो उसको समझ इतनी नहीं होगी उससे शादी करने से बेहतर है एक नाबालिग से शादी करने से बेहतर है कि आप क्या रहें बैचलर कमारे ही रहें ऐसा रंगाज़ के ये विचार हैं शादी के बारे में That's why आई not नॉट मैरिंग नाउ इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ इज देयर एनी अदर रीजन अब राइटर पूछते हैं कोई और कारण भी है अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स अब रंगा फिर कंटिन्यू करता है अपनी बात को कि एक व्यक्ति को ऐसी लड़की से शादी करना करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता हो जिसे वो प्यार करता हो वट वी हैव नाव आर अरेंज मैरिज लेकिन आज के डेट में हमारी क्या हैं या क्या हो रही हैं अरेंज मैरिज होती हैं हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क और अरेंज मैरिज का मतलब ये कि जिससे अरेंज मैरिज का मतलब कि जिससे मर जिससे बोला जाए उसे शादी करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि लव मैरिज है कि हम पसंद करें और फिर उससे शादी करें जबकि चाहता है कि हम किसी को लव करें पसंद करें फिर उससे शादी करें लेकिन वो कह रहा है आजकल तो अरेंज मैरिज चलती हैं और कैसे हाउ कैन वन एडमायरिक ऐसे को कोई कैसे प्यार कर सकता है एडमायर कर सकता है अ गर्ल ऐसी लड़की को विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस यानी कि उसने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश किया है कि कितनी छोटी लड़की है वो कि कोई भी लड़की इतनी छोटी है कि जिसके क्या है मतलब दूध पी रही है तो दूध के जो बोने से निशान होते हैं एक गाल पे है ना यानी कि ढंग से दूध पीना भी नहीं आता है यानी कि दूध क्या है गिर के गालों पे लगा हुआ है दूध के निशान स्टेंस वन साइड ऑफ हर फेस उसके फेस के एक साइड पे दूध के निशान हैं पीने के बाद जो लग जाता है एंड वेटनेस ऑन द अदर और दूसरे गाल में वेटनेस है गीलापन है क्यों हो सकता है means? Uh, means जिसके क्या है वेटनेस uh, किस कारण से थूक वगैरह मतलब निकल रहा है इतनी छोटी सी बच्ची है कोई ओके okay. मतलब ऐसी कोई छोटी लड़की जिसको समझ ही नहीं अभी तो ऐसी लड़की से कोई कैसे प्यार कर सकता है और सो यंग दैट सी ड इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स और इतनी छोटी इतनी छोटी कि जिसको ये भी पता नहीं है कि फिंगर्स को कैसे बाइट करना है ठीक है ना मीन्स जो ये नहीं जानती है वन अ नीम फ्रूट द अदर अटर गार्ड एक नीम के तरह है मीन्स एक इतनी छोटी जिसके दूध के स्टेंस पड़े हुए गालों पे तो वो नीम के तरह है ठीक है ना नेगेटिव बता रहा है उसके बारे में और दूसरी जो ये भी नहीं जानती हाउ टू बाइट फिंगर्स मतलब फिंगर बाइट करने का मतलब है कि अंगूठा चूसना तक ढंग से नहीं जानती है वो एक बीटर कार्ड करेले की तरह है। यानी कि कि नेगेटिव बता छोटी लड़की से शादी करना a... मतलब छोटी का मतलब है जिसको समझ नहीं है बिल्कुल बचपना है इस तरह की एग्जैक्टली रंगा सेड रंगा ने बोला एग्जैक्टली एंड लाफिंग और हंसने लगा आई वॉज डिस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक गुड हसबेंड मीन्स अब राइटर बता रहे हैं कि मैं काफ़ी डिस्ट्रेस हो गया था कि जिसको मैं चाह रहा था कि एक अच्छा हस्बैंड है हैड टू रिमेन अ बैचलर उसने तो ये डिसाइड कर लिया कि वो हमेशा कुंवरा रहेगा बैचलर रहेगा आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर कुछ और देर बात करने के बाद रंगा लेफ्ट रंगा फिर चला गया आई आई मेड अप माई माइंड राइट देन उसी बात उसके बाद मैंने अपना दिमाग बना लिया अपना मन बना लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड कि मैं इसकी शादी जरूर करवाऊंगा रामा रावस नीज और किससे अब वो यहाँ पर एक सॉरी एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करें रामा रावस नीस रामा राव जो हैं उनकी भतीजी है नीस अ प्रीटी गर्ल ऑफ इलेवन जो क्या है इलेवन इयर्स जिसकी एज है हैड कम टू तो स्टे विद हिम जो अपने आ, अंकल रामा राव के साथ रहने हुए आई हुई है सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन जो एक बहुत बड़े शहर से है सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीना इसलिए वो जानती है कि वीणा को कैसे प्ले किया जाता है एंड द हारमोनियम प्ले करना भी उसे आता है सी हैड अ स्वीट वॉइस उसकी आवाज बहुत सुंदर है यानी कि गाना सिंगर बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड उसके जो माता पिता हैं वो क्या हैं अब इस दुनिया में नहीं है एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम इसीलिए उसके अंकल रामा राव उसे अपने साथ लेकर आए और अपने साथ रखते हैं रंगा व जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फोर हिम अब राइटर बोलते हैं कि रंगा ही वो लड़का है जो उसके लिए बहुत सुटेबल है और वो लड़की रंगा की दुल्हन ब्राइड बनने के लिए बिल्कुल सुटेबल है सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा रावज प्लेस क्योंकि मैं रामा राव के घर काफ़ी बार आया जाया करता था द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी वो जो लड़की थी वो मेरे साथ काफी फ्रैंक थी यानी कि मुझसे शर्माती नहीं थी आई कंप्लीटली फॉर गॉड टू मैं हर नेम रत्ना अब राइटर हमें बता रहे हैं अरे मैं तो उस लड़की का नाम बताना ही भूल गया उसका नाम क्या है रत्ना है इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग अगली ही सुबह आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा वाइफ मैं उनके घर गया रामा राव के घर गया और रामा राव की वाइफ से बोला क्या बोला आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू मैं आपके लिए क्या भेजूंगा बटर मिल्क छाछ भेजूंगा आस्क रत्ना टू फैच इट आप रत्ना को मेरे घर भेज देना उस बटर मिल्क को मैं रत्ना के पास भेज दूंगा